सब्सक्राइब करिए टेकियासर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ फिटनेस ट्रैकर जो कि टीम यो की तरफ से आता है, और आपको बताऊंगा क्या कुछ आपको इसमें फीचर्स देखने को मिलता है, क्या कुछ प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर मैं आपको अपने ओपिनियंस भी आपके लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो इसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास फिटनेस ट्रैकर का बॉक्स, ये सेंड किया मुझे टीम यो की तरफ से। आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वगैरह सारे पढ़ सकते हो, और बैक साइड में अगर मॉडल की बात करें तो G26 टीम यो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। साथ में आप देख सकते हो बॉक्स एकदम सिंपल सा है, और यहाँ पर आपको फिटनेस ट्रैकर का दिया हुआ है, साथ में इसे रख देते हैं साइड में। अब कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्मार्ट बैंड देखने को मिलेगा, वापस से मैंने रखा हो, वैसे तो मैंने ये 7 दिन से इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे साइड में रख देते हैं। और बाकी के कंटेंट की बात करें तो यहां पर आपको चार्जर मिल जाता है, जो कि यार मतलब एकदम से अलग चार्जर है। पहली बार मैंने अपने लाइफ में ऐसा चार्जर देखा हूं, बट चार्जर अच्छा है, उसके बारे में बताता हूं। साथ में अगर हम बात करते हैं और क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, तो ये साइड में रख देते हैं। आपको मैनुअल देखने को मिलेगी, मैनुअल पहले आपको चाइनीज में मिलती है, फिर उसके बाद आधी मैनुअल आपको इंग्लिश में मिलती है, जो कि अच्छी बात है। यहां पर से आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी, कैसा कुछ यूज करना है, क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, तो इसे भी साइड में रख देते हैं, और बॉक्स को भी साइड में रख देते हैं। चार्जर की बात करें तो चार्जर यहाँ पर आपको सिंपली ये आपका डायरेक्टली एडाप्टर में लगेगा, और यहाँ पर इसे कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बैंड को हम इसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको यहाँ पर बैंड है, देख सकते हो यहाँ पर आपको 2 पिन दिया हुआ है, पिन दिया हुआ है, और आप देख सकते हो ये काफ़ी इजी स्टेप है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली आपको यहाँ पर ये जो 2 पिन है आपको यहाँ पर अटैच करना है। अटैच करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर से ऐसा लगा सकते हो, ये दोनों पिन आपकी यहाँ पर अटैच होगी। आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ऐसा, और यहाँ पर सिंपली आपको ऐसा अटैच कर देना है। यहाँ पर आपकी ये दोनों पिन मेक श्योर कि आपकी बराबर से लग गई है, ऐसा लग गई तो फिर ऐसा आपको लगा देना है। बस आपको सिंपली ये चीज़ को आपको अपने एडेप्टर में लगा देना है, और आपकी स्मार्ट वॉच चार्ज हो जाएगी। वैसे तो आपको बार बार रोज़ रोज़ चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसा स्टेप था मैं सोचा आपको बता दूँ। यहाँ पर ये आ जाता है हमारे फिटनेस बैंड की तरफ, तो इसे मैं ऑलमोस्ट 7 दिन से यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता पाऊँ कि यार अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाकी हम स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहां पर डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको 0.96 इंच का आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये एक आईपीएस पैनल है। रेजोल्यूशन आपको 80x160p का देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात करते हैं यहां पर बैटरी की, तो 105mAh की बैटरी मिलती है। IP67 की रेटिंग दी गई है, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट का फीचर मिल जाता है। ब्लूटूथ 4.0 का सपोर्ट दिया हुआ है। वेट आपको 25 ग्राम का देखने को मिल जाता है। तो ये है, आप देख सकते हो काफी लाइट वेट है। अगर आप पहनोगे ना, मैं एक हफ्ते से यूज करो, पता ही नहीं लगता कि आप हाथ में कुछ पहने हो, तो काफी लाइट है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी काफी कमाल की है। आपको रबरस टाइप का आपको मटेरियल देखने को मिलता है, काफी अच्छा है और स्टडी भी है, और काफी एक अच्छा आपको ग्रिप दे देता है हाथ में, बहुत जरा भी इरिटेट नहीं होता है। अगर आपके हाथ में हेयर्स वगैरह भी है जैसा कि आप देख सकते हो, तो भी आपको इतना यहां पर फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो चार्जिंग के लिए 2 मैग्नेट्स दिए हुए। यहाँ पर आपका हार्ट रेट मॉनिटरिंग आपको देखने को मिलता है, जो कि अब मैं बताऊंगा। 2 स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं, तो इसको आप चेंज करके अपने बैंड को अगर चेंज करना है तो वो भी चीज़ कर सकते हो। बाकी अगर हम सबसे पहले तो मैं यार बैटरी लाइफ की बात करते हैं, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर एक तो आपको कलर डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ में यार बिलीव मी, मैं जब इस बैंड मेरे पास आया था ना, जब इसके पास जो इसकी बैटरी थी वो आप बोल सकते हो 0 या 1 ही था ऑलमोस्ट। तो मैंने इसे चार्ज करा, 7 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ पर यूज़ करो, और बैटरी आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पर बाकी है, तो इसलिए मैंने अभी तक चार्ज नहीं करा। तो आपको ये बैंड से ऑलमोस्ट आप 7 से 8 दिन का यहाँ पर बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, यूजेज पे है, बट यार 7 दिन के ऊपर ही मिलेगी, इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ। अब बैंड्स की यहाँ पर फीचर की बात करें तो मैं आपको लाइन से बताता हूँ क्या कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं हम यहाँ पर इसके मेन होम स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलता है, टाइम डेट वगैरह आप सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। पहले आपको स्मार्टफोन से पैर करोगे, उसके बाद में ही टाइम यहाँ पर आप डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। स्मार्टफोन से पैर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो स्मार्टफोन का टाइम है सारी चीज़ों को ये डिटेक्ट कर लेता है, और उसके हिसाब से ये टाइम बताता है। आपका यहाँ पर हार्ट रेट सारी चीज़ आपको 3 चीज़ बताएगा, और आपको यहाँ पर ये चेंज करना है तो आपको सिंपली दबा के रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सिंपली टैप करके रखना है, टैप करोगे तो आपका ये इंटरफेस चेंज हो जाएगा। एक बार टैप करोगे तो एक और एक आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे मेरा फेवरेट यही है, काफ़ी एक बढ़िया यहाँ पर आपको लुक देता है।
है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो आप देख सकते हो वो आप स्टेप्स कितने चले हो, और एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आप बोल सकते हो कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, बट मोस्टली यहाँ पर ये एक्यूरेट ही रहता है। कैलोरीज आप देख सकते हो, यहाँ पर किलोमीटर बताता है, ट्रेनिंग दिखाता है, ट्रेनिंग के बाद स्लीप बताता है, स्लीप के बाद आपका जो बीपी है मतलब हार्ट रेट आपका बताता है। यहाँ पर आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो, मैसेजेस चेक कर सकते हो। मैसेज अगर आप टैप करोगे तो आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस बताता है, देख सकते हो। आप इसे टैप करते रहोगे तो अलग अलग आपको मैसेज यहाँ पर दिखाना शो हो जाएगा। बैग जाना है तो आपको सिंपली यहाँ पर दबा के रखना है और आप यहाँ पर से बैग जा सकते हो। यहाँ पर टैप करोगे तो स्टॉप वॉच का भी आपको फीचर मिल जाता है, और बैक करो यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे तो आपको फाइंड फोन भी आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो, बंद करना है बंद कर सकते हो, सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये बैंड तो ठीक बात है, बैंड की बात करें तो आपको सिंपली अगर आप पहनोगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्ट्रैप में आपके हाथ के हिसाब से, आप बड़े से बड़ा मोटा हाथ भी रहेगा तो आप यहाँ पर पहन सकते हो, और आपको कुछ इस तरीके का बैंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ऐसा देखने को मिलता है। और एक फीचर मुझे यहाँ पर अच्छा लगा कि बैंड अगर आप ऐसा हाथ रखे हो तो आपका बैंड बंद हो जाएगा, जैसे ही आप अपनी तरफ लाते हो तो इसका डिस्प्ले वेकअप हो जाता है, तो इससे बैटरी लाइफ में काफ़ी आपको यहाँ पर हेल्प होती है। वेक टू रेस्ट का फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर बैंड की बात कर लेते हैं तो इसे मैं निकाल लेता हूँ, और मेन चीज़ पर हम जाते हैं जो कि ये बैंड का है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मैंने अपने फ़ोन में यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हूँ। नीचे अगर आपको नहीं मिला तो आपको बार कोड यहाँ पर आप जो मैनुअल देखे तो उसमें भी मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो JU Pro करके एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने स्मार्टफोन पर इसे यूज़ करो पर्सनली, तो आप देख सकते हो मेरा पूरा मॉनिटरिंग करा है। अब यहाँ पर ये बैंड को रख देते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो अगर आप स्टार्ट में जाओगे तो आपको नीचे चार ऑप्शन देखने को मिलता है, होम, एक्सरसाइज, डिवाइस, मी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉक बताएगा किसका कंजम्पशन कितना हुआ, डिस्टेंस कितना चला, कितनी कैलोरी गई है। साथ में स्लीप पे जाओगे तो स्लीप मॉनिटरिंग है, हार्ट रेट का आप यहाँ पर से चेकआउट कर सकते हो। आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, सपोज यहाँ पर मैंने बैंड अपने हाथ में पहना हूँ और मैं यहाँ से भी अगर मेरे को यहाँ पर चेक करना है हार्ट रेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली एक लाइट ब्लिंक होती है कंटिन्यूसली अगर आप हार्ट रेट को चेक कर रहे हो तो, ये परफेक्टली बताता है, एक्यूरेट है। कभी कभार यार ऊपर नीचे हो जाता है, बट मोस्टली मैंने जितना भी टेस्ट करो ये एक्यूरेट ही बताता है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो भी आप यहाँ पर से चेकआउट कर सकते हो। आपको ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल कितना रहना चाहिए, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ से नहीं समझ रहा है तो आप गूगल पे भी चार्ट डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो कितना नॉर्मल है कितना एवरेज है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप एक्सरसाइज में जाते हो तो एक्सरसाइज में आपको वॉक, रन, साइकिलिंग और हाइकिंग देखने को मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, कंटिन्यू करके आप इसे यूज़ कर सकते हो और आपको पूरा डेटा आपका देखने को मिल जाएगा। ड्यूरेशन, कंजम्पशन, स्पीड वगैरह सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी। तो स्टॉप करने के लिए सिंपली आपको स्वाइप करना है और यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हो। रनिंग, साइकिलिंग और हाइकिंग आप यहाँ पर से देख सकते हो। साथ में डिवाइस में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो मॉडल नंबर है, सिंक डेटा वगैरह है, और इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन का भी आपको फीचर मिलता है। सपोज यहां पर आपको कॉल आ रहा है तो यहां पर शो करेगा बंदे का नाम। अगर आपके जेब में फोन है, ब्लूटूथ से आपने इसको पैर करे हो तो आपको यहां पर जो है डेटा सारी चीजें यहां पर बता देगा कि भाई ये बंदा यहां पर आपको फोन कर रहा है, और आपको उठाना नहीं उठाना है वो आपको यहीं से पता चल जाएगा, आपको फोन निकाल के चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम SMS नोटिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया WhatsApp वगैरह पे अगर आपको मैसेज आता है तो यहाँ पर शो कर देता है क्या मैसेज है। आप आहिस्ते आहिस्ते पूरे खोल के भी देख सकते हो। मैसेज नोटिफिकेशन में जाओगे तो आपको इतना सपोर्ट मिलता है WeChat, और आपको ये देख सकते हो Skype, Twitter वगैरह का देखने को मिल जाता है। अभी के लिए मैंने यहाँ पर WhatsApp नोटिफिकेशन को ऑन कराऊँ, और आप यहाँ पर अलार्म वगैरह, रिमाइंडर वगैरह भी सेट कर सकते हो। अगर आप ये सेट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो टाइम पर यहाँ पर आप रिमाइंडर में जो भी लिख के डालते हो वो बताता है, और साथ में यहाँ पर ये वाइब्रेट करने लग जाता है। वाइब्रेशन मोटर मुझे यहाँ पर पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगी है। और पैर करने के लिए सिंपली बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको डिवाइस में आना है और डिवाइस में आके आपको ब्लूटूथ से पैर कर देना है। G26 आपको मॉडल नंबर जो ऊपर दिख रहा है ये आपके ब्लूटूथ मोबाइल पर आ जाएगा, और आप इसे सिंपली यहाँ पर पैर कर सकते हो। रिमोट सेल्फी में अगर आप जाओगे तो ये देख सकते हो, आप ये कैमरा खुल गया और आप यहाँ पर टैप करोगे तो ये इमेज आपके फ़ोन में ले लेगा, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा फीचर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम बैक कर लेते हैं और अदर फीचर मोर सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो डिवाइस सर्च अगर आप यहाँ पर टैप करते हो तो ये आपका ये वाइब्रेट होने लग जाता है और आपको बता देगा कि भाई आपका यहाँ पर ये जो बैंड है वो किधर पे है। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। पावर सेविंग मोड्स में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो डिवाइस वाइब्रेशन को अगर आप ऑफ कर दोगे तो यार फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर एक अच्छा फीचर है। और लिफ्ट
लिफ्ट रेज टू वेक अप स्क्रीन। तो अगर आप यहाँ पर सिंपली ऐसा करते हो तो आपकी स्क्रीन जो है चालू हो जाती है, और अगर आपको बंद करना है, देखो अगर मैं ऐसा यहाँ पर इसको ऐसा करता हूँ तो बंद हो जाता है, ऐसा करता हूँ तो यहाँ पर ये चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ बच जाती है, क्योंकि अगर पूरा दिन चालू रहेगा तो यार बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये फीचर मुझे अच्छा लगा, जो कि आपको नए स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है, वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। डिवाइस वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, साथ में डू नॉट डिस्टर्ब मोड का भी फीचर मिलता है डिवाइस अपडेट से, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ऑटोमेटिक हार्ट रेट, अगर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ टाइम के लिए चेकआउट करना है तो वो भी आप यहाँ पर से एनेबल कर सकते हो। कौन से टाइम पर रखना है, कितने टाइम पर आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली चेक करना है, 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे में, वो भी आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर मिल जाते हैं। और आप अगर मी में जाते हो तो आप यहाँ पर जो स्टेप का जो गोल है, आपको गोल सेट करना है कि भाई आज 4000 कदम चलना है, तो वो भी आप यहाँ पर से चेकआउट कर सकते हो। यूनिट्स वगैरह भी यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हो, गूगल फिट का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, और मैनुअल्स वगैरह भी आपको एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती है। और अबाउट में जाओगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एप्लीकेशन के बारे में बता दी जाएगी। तो मैं अपने ओपिनियंस की बात करूँ, ये तो फीचर हो गए, बट अगर मैं अपने ओपिनियंस की बात करूँ कि भाई ये बैंड कैसा है, तो मेरे हिसाब से सही है। बाकी अगर हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगी है। मैं 7 दिन से इसे यूज़ कराऊँ, और मैंने जब बैंड आया था एकदम एम्प्टी बैटरी थी, बट मैंने फुल कराऊँ तो 7 दिन बाद भी आप देख सकते हो बैटरी लेफ्ट है। तो 7 दिन से भी ज़्यादा का आपको बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ में वाटर में भी मैं लेके गया हूँ इसे, पानी में लेके गया हूँ, स्विमिंग पूल में भी लेके गया हूँ। तो मेरे को चेक करना था कि IP67 की रेटिंग नाम की है, काम किए, तो मैंने चेकआउट करा तो ये काफी बढ़िया से यहां पर रेटिंग दे रहा था। अब बात आती है यहां पर ये बैंड के प्राइस पॉइंट की, तो प्राइस पॉइंट की बात करें तो इसका $49.99 की प्राइसिंग है, मतलब लगभग इंडिया का 3700 के आसपास आपको देखने को मिलता है। बट आपको मैं नीचे प्रोमो कोड दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वो यूज करते हो तो आपको 20% का डायरेक्टली ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको परचेस करना है तो डेफिनेटली अगर आपको स्मार्ट बैंड चाहिए तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो, अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या फिटनेस बैंड आपको आज की तारीख में इतना इंपॉर्टेंट लगता है या नहीं लगता है, या आप फिटनेस बैंड को यूज़ कर रहे हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बैंड मुझे ठीक लगा, मतलब प्राइस पॉइंट आप बोल सकते हो ठीक ठाक है, बहुत ये नहीं बोलूँगा बहुत चीप है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब आपको फीचर भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ मुझे अच्छी लगती है जो कलर डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है, और एक्यूरेसी के भी मामले में मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप फिटनेस बैंड रियली में आप प्रीफर करते हो या नहीं करते हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। गाइस आई होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।